मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। कोरोना की दो लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी, पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग लगभग कोरोना मुक्त करने का काम किया। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर हुए और सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर हुए। सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ है। 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता करी, 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है, 194 बन गए हैं। बच्चों के लिए निशुल्क दवाई किट देने का काम किया और निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। और उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखा था, हर दो जिले के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अखिलेश जी हमारी मखौल उड़ाते थे, कहां से बनाएंगे। अखिलेश जी अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूं आपको, आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है, हमारी वादा पूरा हो रहा है। मित्रों, केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज घोषित किया है मोदी जी के निर्णय के बाद, उसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होने वाला है।